हेलो स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको एटम के कॉन्सेप्ट्स के बारे में कुछ जानकारी प्रोवाइड करवा रहा हूँ। एटम बहुत बार वर्ड सुना होगा हमने, हिंदी में इसको परमाणु बोला जाता है। बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है इसका। एटम को अगर समझना हो तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम कोई भी मैटर लेते हैं, मैटर कोई भी वस्तु, और उसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। कोई भी मैटर है उसे डिवाइड करते हैं तो वो डिवाइड होता रहता है, लेकिन एक ऐसी स्टेट आती है, एक ऐसी स्टेज आएगी जिसके बाद वो डिवाइड होना बंद हो जाएगा, डिवाइड नहीं होगा उसके बाद। उसी पार्टिकल को हम एटम कहते हैं। इसके अंदर मेनली तीन इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब एक एटम के अंदर भी कुछ पार्ट्स होते हैं जिसे सब एटॉमिक पार्टिकल कहा जाता है, और ये होते हैं हमारे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है हमारे प्रोटॉन के ऊपर में। इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। वहीं जो न्यूट्रॉन होता है, ये न्यूट्रलाइज होता है, इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता है। अगर हम एक एटम को इस तरीके से समझें, ये एक एटम का पार्ट है हमारे पास, ये इसका न्यूक्लियस है, जो हमारा परमाणु है यानी एटम है, इसके न्यूक्लियस है। इसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रॉन के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। वहीं इलेक्ट्रॉन जो है ये नेगेटिवली चार्ज होता है और ये एक डेफिनेट पाथ में रिवॉल्व करता है। इसके अंदर बहुत सारी ऑर्बिट्स हो सकती हैं, इनको पाथ बोला जाता है। ऑर्बिट कहलाती है हमारी किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अराउंड काफ़ी सारी हमारी, जैसे पहली शेल होती है, इसको के बोलते हैं, एल बोलते हैं, एम बोलते हैं। तो के शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एम के अंदर आठ हो सकते हैं। उसके ऊपर ऐसे आगे फॉरवर्ड बहुत सारी सेल्स होती हैं। तो मेरे लिए मैं भी जानना था कि मैंने बताया आपको कि एटम क्या होता है, इसके सब एटॉमिक पार्टिकल क्या क्या हैं और ये कहाँ कंसिस्ट करते हैं। तो इस चीज़ को आपने अभी समझ लिया है। इसके आगे जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। थैंक यू।